हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी हिंदी लिटरेचर की क्लास है। हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 14, गीदड़ की सूझबूझ। चलिए आज हम आपको गीदड़ की कहानी बताते हैं। गीदड़ कितना चालाक था, ठीक है। सो लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, गीदड़ की सूझबूझ। एक घने जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी रहता था। कौन रहता था? एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली हाथी रहता था। वह बहुत जिद्दी और अखड़ था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। गीदड़ तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उनके बच्चे हाथी के पांव तले डेली कुचले जाते थे। जब भी हाथी निकलता था तो उनके बच्चों को अपने पांव तले से कुचल कर निकल जाता था। वे हमेशा ये सोचते थे कि किसी भी तरह यह हाथी मर जाए तो उनके बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके। गीदड़ों के सरदार ने एक सभा बुलाई। किसकी सभा बुलाई? गीदड़ों के सरदार ने गीदड़ों की एक सभा बुलाई। उसने उसने कहा, जब तक यह हाथी जंगल में रहेगा तब तक हमारे बच्चे चैन की सांस नहीं ले सकते। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बुद्धि से इस हाथी को ठिकाने लगाकर ही रहूंगा। ठीक है सरदार, हम सब आपके साथ हैं। सभी गीदड़ मिलकर एक साथ बोले कि ठीक है सरदार, हम सभी आपके साथ हैं। तो गीदड़ों की सहमति पाते ही वह बूढ़ा गीदड़ सीधा हाथी के पास पहुंचा। उसने हाथी को प्रणाम किया। हाथी ने उसकी ओर देखकर पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? क्या काम है? महाराज, मैं आपका दास गीदड़ हूँ। सब जानवरों ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है, गीदड़ बोला। क्यों भेजा है? हाथी ने पूछा। महाराज, जंगल के जानवरों का कहना है कि हमारे जंगल में कोई भी राजा नहीं है। राजा के बिना जंगल के कामकाज ठीक से होते ही नहीं है। सब अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। राजा के न होने से प्रजा की भी कोई ठीक से देखभाल भी नहीं कर सकता। लग्न का समय निकल जाने से पहले आपको राजगद्दी पर बैठने के लिए पहुंच जाना चाहिए। यह कहकर बूढ़ा गीदड़ वहां से चल दिया। अब राजा बनने की लालच में हाथी जो है अंधा हो गया। इतना खुश हो गया कि वह इसी लालच में अंधा हो गया। वह उठा और गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह उस गीदड़ को अपना हितैषी समझ रहा था। गीदड़ के पीछे चलते चलते हाथी कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। उससे निकलने के लिए हाथी ने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रहा। हाथी पूरी तरह से छटपटा रहा था। बूढ़ा गीदड़ उसकी दशा देखकर जोर जोर से हंस रहा था। वह बोला, क्यों भैया, बन गया राजा? तुमने इस जंगल के जानवरों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं। अब उन पापों का फल आपको भोगना पड़ेगा। पाप का घड़ा तो एक नाइट में फूटता ही है। तुम्हारे पापों का भी घड़ा आज फूट गया। इस प्रकार वह दुष्ट हाथी दूसरों का दर्द समझ गया कि किस वजह से वह हाथी सबको परेशान किया करता था। उसने जो है सभी जानवरों से माफी मांगी। सबने मिलकर उसे गड्ढे से निकाला। सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे जंगल में। तो देखो बच्चों, किस तरह से हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और गीदड़ की सूझबूझ उसके काम आई। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 14 गीदड़ की सूझबूझ कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 14 एंड एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 इन फेयर नोटबुक में आपको राइट करनी है। शब्दार्थ भी इसके आपको फेयर नोटबुक में टाइप करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे। गुड डे।